राकेश। ओ हाय श्याम, कैसा है तू? ठीक हूँ यार, बैठ। थैंक यू। और कुछ चाय ठंडा हो जाए? अरे नहीं यार, मैं तुझसे मिलने आया था। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी कजन की मैरिज है। अरे हाँ, कल मैं भी फार्म हाउस जा रहा हूँ। आज शाम को आनंद आ रहा है बैंगलोर से, अब वो वहीं रहेगा। यार हमेशा तू आनंद की तारीफ करता रहता है, कभी मिलवाया नहीं। अच्छा अब उसकी तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है, तू तो जानता ही है इतनी यंग एज में उसे हार्ट अटैक हुआ, भगवान ने बचा लिया उसे। और सुना यार? बस और कुछ नहीं यार, दिल्ली से आके मिलते हैं। ओके श्याम, हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट। थैंक यू। और सुन, आते ही फोन करना। ओह श्योर, बाय बाय बाय। नमस्ते साहब। नमस्ते मालिका का, कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ। मालिका का, ये है आनंद साहब, हमारे दोस्त भी और भाई भी। अब ये यहीं रहेंगे, आप इनका सामान उतरवा लीजिए। जी नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ तो कहिए आनंद साहब, कैसा लगा आपको फार्म हाउस? बहुत खूबसूरत, शांत और अच्छा। आनंद तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, खुली आबो हवा है, सुबह सुबह उठकर तुम घूमने जा सकते हो। हाँ पास ही में समुंदर है, पीछे गाँव है और तेरे लिए वो कार है। राकेश मुझे तो यहाँ आराम ही आराम है। और हाँ सुन, अंदर फोन भी लगा हुआ है, मालिका का तेरी पूरी देखभाल करेंगे। मालिका का जरा चाय तो पिलवाइए। लाया साहब। राकेश मैं कितना एहसानमंद हूँ तेरा, मैं नहीं जानता तेरा ये एहसान कभी चुका भी पाऊंगा या नहीं। फिर वही बात, अरे दिल का एक दौरा क्या पड़ गया कि तुझे जिंदगी और इस दोस्त से ज्यादा मौत पर भरोसा हो गया क्यों? राकेश इस दिल का कुछ पता नहीं दोस्त, ये तो एक मशीन है, पता नहीं कब धोखा दे जाए। एक हार्ट अटैक के एक अटैक के बाद, अरे तीन तीन अटैक के बाद 50-50 साल तक लोग शान से जीते हैं। देख यार तू ये अनहूस बातें मत किया कर, यहाँ की खुली हवा में रहेगा तो धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद से तो यहाँ आया हूँ दोस्त। अरे उम्मीद नहीं, शर्तिया। और फिर आजकल तो ट्रांसप्लांट का जमाना है। आनंद अगर जरूरत पड़ी तो अपना दिल निकाल कर तुम्हारे लगवा दूंगा। साहब चाय तैयार है। आओ आनंद। लीजिए साहब। देखो काका, आनंद साहब का पूरा ख्याल रखना। जी इन्हें सख्त आराम की जरूरत है, दवाई और खाना टाइम से देना। और हाँ अगर ये कुछ गड़बड़ करें तो मुझे फौरन बॉम्बे फोन करना। आप चिंता मत करिए, मैं आनंद साहब का पूरा ख्याल रखूंगा। तू खाना टाइम से खाएगा? खाऊंगा। दवाइयां टाइम से खाएगा? खाऊंगा। सुबह सुबह सैर के लिए जाएगा? अरे भाई जाऊंगा। तो ठीक है, तो फिर मैं बॉम्बे वापस जाता हूँ, वरना काका मेरा बिस्तर भी यहीं लगवा दो। बोलो मंजूर है? अरे भाई मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, तू बेफिक्र होके चला जा। चल ठीक है तो मैं चलता हूँ। चल। अच्छा काका अपना ख्याल रखना। अच्छा सर। चल आ जा। दवा ले लीजिए साहब और दूध पी लीजिए। काका जी सुबह मुझे जल्दी जगा देना, शहर के लिए जाऊंगा। अच्छा साहब। काका मैं शहर करने जा रहा हूं, आकर चाय पीऊंगा। अच्छा साहब।
चोट तो नहीं लगी? बहुत बदमाश हो तुम लोग। ये भी कोई खेल है? जाहिल, बदतमीज, भाग जाओ यहां से। इन पे बिगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाते रहते हैं, हमेशा इसी तरह सताते हैं। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम आनंद है। मैं इसी गांव में एक फार्म हाउस पर रहने आया हूँ। चलिए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बस आज माँ बहुत बिगड़ेगी। क्यों? एक तो पानी नहीं लाई और फिर खड़ा भी फूट गया। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं साथ चलकर माँ को बताऊंगा कि खड़ा कैसे फूट गया। अपने घर का रास्ता तो पता होगा तुम्हें। घर कैसा भी हो, अपने घर का रास्ता सबको पता होता है। इधर से। अरे वाह, तुम जितना अच्छा गाती हो उतनी ही अच्छी बातें भी कर लेती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। आओ सीमा। पानी तो नहीं लाई निगोड़ी, ऊपर से फिर घड़ा फोड़ाई। मां, मैं जी देखिए, मैं वही बताने आया था। वो गांव के शैतान बच्चे हैं ना, उन्होंने। पर शैतानों का शैतान तू कौन है? तू भीतर चल। माँ जी तो मैं देख लूंगी। अरे क्या बात है सीमा की? माँ क्या बात है, खुद ही देखो, आज फिर घड़ा फोड़ाई और साथ में अपना हिमायती भी ले आई। अरे
अजीब औरत है तू, बाहर वाले से ऐसी बात करती है। आप कौन है साहब? जी मेरा नाम आनंद है, मैं यहीं गांव में एक फार्म हाउस पर रहने आया हूँ। गांव के कुछ शैतान बच्चों ने इनके रास्ते में पत्थर रख दिया था और ये गिर पड़ी, थोड़ी सी चोट भी लगी है, इसलिए पहुँचाने चला आया था। क्या लगती है तेरी, तू होता कौन है जो इसे पहुँचाने चला आया है? सीमा की माँ, किसी अनजाने से ऐसा बर्ताव नहीं करते। तुम चुप रहो जी, ये जो अनजाने के साथ मटकती हुई चली आई वो कोई बात नहीं है, ये अजनबी आकर मुझसे जबान लड़ाता है ये भी कोई बात नहीं है, तुम अंदर चलो। लेकिन तुम भी तो चुप रहो ना। मैं कहती हूँ तुम इसे लेकर अंदर जाओ। आओ बेटी अंदर चलो। और तू? देखिए मुझसे गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। ये हमारी चुगली कर रहा था, हम इसकी भी खबर लेंगे। तो तुम लोग हो, ये शीशा क्यों तोड़ा? तुमने हमारी चुगली क्यों लगाई? तो इस बात का गुस्सा है? मैंने तुम्हारी चुगली नहीं लगाई थी, सिर्फ सच बोला था। तुम क्या राजा हरिश्चंद्र हो? मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ, आनंद हूँ। पर तुम लोगों ने सीमा के रास्ते में पत्थर क्यों रखा था? तुम सब जानते हो ना कि वो देख नहीं सकती। इसलिए तो रखा था ताकि वो टकराए और गिर पड़े और हमें मजा आए। किसी को तकलीफ पहुंचाकर तुम्हें मजा आता है? हाँ आता है। अच्छा हमसे दोस्ती करोगे? अरे भाई सोच क्या रहे हो, पत्थर मारना है तो पत्थर मारो और अगर टॉफियां खानी है तो दोस्ती करो। काका वो नई वाली टॉफियां तो लाना। जी साहब। बोलो क्या मंजूर है, दोस्ती या दुश्मनी? दोस्ती। बहुत अच्छे, तो आ जाओ। अब आप यहां बैठो। लाइए काका। बाबा ये लो टॉफियां। ना पहले पत्थर दो। लो पत्थर पत्थर। गुड बॉय। अच्छा अपना नाम बताओ बेटे। राधा। राधा और आपका? चंदू। आप? शंकर। और तुम? बनवारी। तुम्हारा? रमेश। रमेश और तुम? बंसी। अच्छा ये बताओ बेटे तुम सिर्फ शैतानियाँ ही करना जानते हो या पढ़ना लिखना भी जानते हो? पढ़ना लिखना नहीं नहीं, हम तो सिर्फ हंसना खेलना जानते हैं। और तुम? बीड़ी पीना। तुम्हें बीड़ी पीना आता है? बीड़ी? मुझे तो नहीं आता। गुल्ली डंडा खेलना आता है? हमारी तरह पतंग उड़ाना आता है? नहीं बेटे वो भी नहीं आता, वो सब तो हम तुमसे सीख लेंगे पर एक शर्त पर। क्या? तुम सब लोग पढ़ने स्कूल जाया करोगे। स्कूल? यहाँ स्कूल है ही नहीं। स्कूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। कल से पढ़ने आओगे? बोलो कल सुबह से सब आओगे? क्यों? ठीक है। क्यों राधा, क्यों चंदू, आओगे? हाँ आएंगे। तो ठीक है, ये लो सारी टॉफियां। हाँ ये लो, आपस में बांट लेना। हाँ। और कल सुबह जरूर आना, ठीक है? हाँ ठीक है। जाओ। अरे संभल कर। साहब ये आपने अच्छा सोचा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आदमी बन जाएंगे। हाँ काका। नमस्ते साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? साहब मैं अपने पत्नी के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ,
सीमा जब 2 बरस की थी तब उसकी माँ मर गई। लोगों के कहने में आके मैं सीमा के लिए सौतेली माँ ले आया। सीमा क्या जन्म से ही नहीं देख सकती? नहीं साहब नहीं, जैसे उस दिन खड़ा फूट गया था वैसे ही एक दिन जब सीमा बहुत छोटी थी उसके हाथ से कांच का गिलास टूट गया। उस बात पर गुस्से में आकर उसकी सौतेली माँ ने इतने जोर से तमाचा मारा कि वो मुंह के बल कांच के टुकड़ों पे गिर पड़ी। ओह माय गॉड, उसकी दोनों आंखों में कांच घुस गया, तभी से उसकी आंखें चली गई। डॉक्टरों को दिखाया आपने, किसी आंखों के स्पेशलिस्ट को? अपने वश में जितना था वो सब करके देख लिया साहब। अब कैसे कटेगी उसकी जिंदगी, बस यही सोचता रहता हूं। देखिए, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। सीमा की आंखें ना ही सही पर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो कैसे साहब? बंबई में अंधों का एक औद्योगिक महाविद्यालय है, एक बहुत बड़ी संस्था है। वहां सीमा तरह तरह का कामकाज सीख सकती है और वहीं हॉस्टल में रह भी सकती है। मैं एक आध दिन में बंबई जा ही रहा हूँ, अगर आप कहें तो दाखिले का फॉर्म लेता आऊंगा। आप इतनी दया कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी साहब। दया और मेहरबानी कैसी साहब, इंसान ही इंसान के काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं चलूं? नमस्ते। आ गए तुम लोग, आओ आओ। और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? उन्होंने मना कर दिया, गुल्ली डंडा खेलने गए हैं। वो बोले हमको पढ़ना नहीं है, हमको खेलना है। खेलना तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ने के बाद। कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बताओ, पहले गिनती सीखोगे या कहानी सुनोगे? कहानी 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 सुनोगे। चलो ठीक है, एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। आओ काका। अब कहानी, हाँ ये है बंदरिया, ये है हाथी, हाथी ये चूहा, ठीक है कराना बिल्कुल बंदरिया। हाँ तो एक दिन क्या हुआ, ये चूहा है ना ये अपने बिल से बाहर आया और ऐसे आके चूं 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 ऐसे कुछ के बाहर देख रहा था। तो ये हाथी वहां से जा रहा, हाथी को देख के क्या हुआ, चूहे ने पूछा, हाथी भाई हाथी भाई आपकी उम्र क्या है? तो हाथी बोला 1 साल। तो चूहा पूछा, हाँ? और फिर चूहा कहता 1 साल, अरे 1 साल का तो मैं भी हूँ, फिर मैं इतना छोटा कैसे हूँ? तो फिर हाथी ने पूछा, चूहे भाई तुम्हारी उम्र क्या है? तो कहता है वैसे मेरी भी उम्र 1 साल है, लेकिन मैं आजकल बीमार रहता हूँ। अरे बंसी, आज तो बड़ा मजा आया, मास्टर जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? चूहे और हाथी की। मास्टर जी ने कहा वो हमें रोज नई कहानी सुनाएंगे, खूब पढ़ाएंगे और खेलने कूदने को भी देंगे। अच्छा, खेलने कूदने भी देंगे? हाँ। तुम भी कल से चलो और गांव के सब बच्चों को ले चलेंगे। हाँ, चलो। तो चलो। नमस्ते गिरधर बाबू। नमस्ते सर। मैं सीमा के दाखिले का पूरा इंतजाम कर आया हूँ। अच्छा? आप चाहें तो आज ही उसका एडमिशन हो सकता है। बहुत उपकार है साहब आपके। उपकार कैसा साहब, मैं फार्म हाउस चलकर अभी आपके घर आता हूँ, आप चलने की तैयारी कीजिए। जी अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मास्टर जी, हमने बहुत से बच्चों को पढ़ने के लिए राजी कर लिया है। बहुत अच्छे बनवारी, हम जानते थे, इसलिए देखो हम बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें स्लेट्स और कपड़े भी ले आए हैं और साथ में ब्लैक बोर्ड भी लाए हैं। अच्छा, अब कल सुबह से पढ़ाई शुरू। संभल के बेटी। अच्छा सीमा बेटी। अच्छा माँ, प्रणाम। जीती रहो। नमस्ते, आइए। बैठो बेटी, संभल के। राज रानी महारानी बंबई गई पढ़ने लिखने,
ये तो बहुत बुरी बात हुई चाची, घर का काम कौन करेगा? सारी मुसीबत तेरे गले पड़ गई। हाँ। घर का सारा काम और ऊपर से तेरी खराब तंदुरुस्ती। वही तो। हाय रे दया, कितना दर्द होता है हाथ पाँव में। हाय रे, ना सोचा ना विचारा, लेकर चल दिए शहर को। हाय रे, हाय रे चाची, दर्द हो रहा है क्या? भागो चाची के बच्चों, नकल उतार रहे हो तुम मेरी, शर्म नहीं आती? ये शर्मो, देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपकी लड़की का यहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठिए बेटा। ताई, इस लड़की का डॉक्टर पटनिकस टेस्ट ले लिया है। इसकी मेमोरी और जनरल नॉलेज वगैरह सब कुछ अबव एवरेज है। दैट्स वेरी गुड। देखो सीमा बेटी, मैं तुम्हें संस्था में एडमिशन दे रही हूं, लेकिन अपने स्कूल में आके ये सोचो कि तुम्हारे में असीम शक्ति है, सीमा की कोई सीमा ही नहीं। बहन जी, इसे संगीत का भी बहुत शौक है। संगीत तो वो सीखेगी ही, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ सीखेगी, जिससे इनकी असीम शक्तियों का विकास होगा और सीमा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, हमारी शिक्षा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाती है और इससे वो सही जीवन जीने के काबिल हो जाती हैं। कुंजम्मा, आया को बोलो सीमा को हॉस्टल ले जाए। बहन जी, हम कभी सीमा से मिलना चाहे तो? इसकी बात मैंने इनसे कर ली है, सीमा हर शनिवार और इतवार को घर जा सकती है। तो बाबा, तुम लेने आओगे ना? शनिवार को तो मेरी छुट्टी होती नहीं है, पर मैं ले लूंगा बेटी। और ना भी ले सकें तो कोई बात नहीं, मैं तो शहर आता ही रहता हूँ, हॉस्टल आकर सीमा को मैं ले जाऊंगा। अच्छा बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटे, अब जाओ हॉस्टल। अच्छा बेटी, सब कुछ मन लगाकर सीखना। जी बाबा। नमस्ते आनंद बाबू। नमस्ते। लीला, इनको साथ लेकर ऊपर जाइए, हिमा संभल कर चढ़ना, धीरे संभल के चढ़ना। चाची, ओ चाची, चाचा सीमा को स्कूल में दाखला करा के आ गए। क्या उसे पढ़ा लिखा कर लाचार बनाओगे? मुझसे किया नहीं होगा ये घर का सारा काम। हाँ, उसकी आंखें तो तुमने छीन ली, अब उसे विद्या और ज्ञान की आंखें मिले, ये भी तुझे बर्दाश्त नहीं? ये लो, कायदे की बात कही तो बिगड़ने लगे। तू चुप रह, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तू हर बात में मुझे और सीमा को दबाती है, आज से ये नहीं होगा। तो क्या होगा? आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? हाँ, सीधी होकर घर का काम कर, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे चाचा, चाची भला इतना घर का काम कैसे करेगी? तू भाग जा रहे चाची के चमचे, तू भी अंदर जा और मेरे लिए एक ग्लास पानी ला। हाय रे, इतना दर्द होता है। हाय। आ, 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 ए, 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 उ, 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 ग, 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 ग
आओ सीमा। नमस्ते, ये हमारे हॉस्टल की वार्डन है ललिता। नमस्ते। नमस्ते ललिता जी। सीमा को सोमवार सवेरे ले आएगा। ये बहुत अच्छा। अच्छा सीमा जी, चलो सीमा। आओ सीमा, संभल कर आओ। आ गई महारानी पढ़ लिख कर। गिरधर बाबू घर में हैं? वो तुम्हारी तरह निठले नहीं है जो घर पे बैठे होंगे। माँ, वो काम पर गए हैं। क्यों, कुछ कहना है? छे कुछ खास नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा उनसे। तू चल अंदर, हफ्ते भर से सारा काम पड़ा है, तू तो चली गई पढ़ने लिखने, घर का सारा काम कौन करेगा? मैं करूंगी ना माँ, मैं सब काम करूंगी। चूल्हा चौका झाड़ू बुहारू खाना बनाना, ये सब तो रोज का काम है जो मेरे ऊपर आ ही पड़ता है। और कौन सा ऐसा काम बचा है जो तू करेगी? हाँ, थोड़े से कपड़े पड़े हैं। मैं सब कपड़े धो लूंगी माँ, हर हफ्ते आके घर का सारा काम कर लिया करूंगी। सारा काम कर लिया करूंगी, ये ले जल्दी कपड़े धोके बर्तन मांज। बाबा कहाँ है आप? मैं खाना लाई हूँ। आ जाओ बेटी, मैं यहाँ खाट पर बैठा हूँ। संभल के बेटी, संभल के। लाओ बेटी। स्कूल में तेरा मन लग गया बेटी? हाँ बाबा, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अंधी हूँ ही नहीं। अच्छा? मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता है। संभल कर।
छक्का 2 सत्ता 2 अठा 2 नौवा और 2 दहाई और आप सबकी छुट्टी बाय बाय। मालिक काका आया साहब। दीजिए साहब। सीमा आओ। अच्छा सीमा जी, फिर एक लंबा हफ्ता, उसके बाद शनिवार आएगा। और हाँ सीमा, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया था। उपहार मेरे लिए? हाँ, इतने उपकारों के बाद भी क्या उपहार देना जरूरी है? आपके तो उपकार ही बहुत हैं। मेरा मन किया इसलिए मैं ले आया। मना मत करना सीमा, ये लो। क्या है इसमें? वो इसमें मेरी पसंद के कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, अगले शनिवार यही पहनना। इतने उपकार, ये उपहार, और फिर? अगले शनिवार का इंतजार। अच्छा तो अब मैं चलूं? अच्छा सीमा। अरे सीमा आ गई तू, चल। राम राम आम आम काम काम। अब दिखाइए क्या लिखा है। अरे वाह, बहुत अच्छे, अब इसे पढ़िए। भारत मेरा देश है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वेरी गुड। फिर एक लंबा हफ्ता, उसके बाद शनिवार आएगा, उस शनिवार का तुम्हें इंतजार रहेगा सीमा। Thank you.
साहब कुर्ते पाजामे का कपड़ा देख लाऊं, बहुत ही नफीस कपड़ा है साहब। अच्छा कपड़ा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन एक बात बताओ बेटे, क्या तुम रोज अपने अब्बा के साथ फेरी लगाते रहते हो? हाँ, हम गांव-गांव फेरी लगाते हैं। किस गांव में रहते हो? इसी गांव में साहब, किसी से भी पूछ लीजिए जुम्मन जुलाहा कहाँ रहता है, सभी बतला देंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन जुम्मन भाई इसे पढ़ाना लिखाना छोड़कर इसके सर पर इतना बोझ क्यों लाद दिया? हम लोगों की किस्मत में साहब पढ़ना लिखना कहाँ है, एक वक्त पेट भर ले यही बहुत काफी है। ये पेट की चक्की बहुत जालिम होती है साहब। तो इस पेट की चक्की में इस छोटे से बच्चे को क्यों बीस रहे जुम्मन भाई? इसकी उम्र देखिए, ये उम्र तो पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। आप दुरुस्त फरमाते हैं साहब, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ कोई मदरसा नहीं, स्कूल नहीं, कोई मकतब भी नहीं जहाँ मैं सलीम को पढ़ने के लिए भेज सकूं। जुम्मन भाई मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ है। अच्छा सलीम, बेटे मेरे यहाँ पढ़ने आओगे? हाँ आऊंगा, अगर अब्बा जान भेजेंगे तो। हाँ हाँ बेटे बिल्कुल भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा बाबू साहब, जरूर भेजूंगा। ए ए बी सी डी ई। सीमा ये बंबई शहर यहां से कितना खूबसूरत लग रहा है, काश तुम देख सकती सीमा। मैं देख सकती हूँ आनंद बाबू, मुझे आपकी आंखों से सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा तो बताओ क्या देख रही हो? यही कि आप जैसा कोई मेरे पास है, रोशनी की तरह। मैं आपको इन आंखों से तो नहीं पर मन की आंखों से हमेशा देखती रहती हूँ। तो अपनी मन की आंखों से तुम ये भी देख रही हो सीमा कि सागर की शांत लहरें तुम्हें अपनी ओर बुला रही हैं? हाँ देख रही हूँ, पर मैं उन्हें छूना चाहती हूँ आनंद बाबू। आओ सीमा, संभल कर आओ। सीमा अब मैं चलता हूं। अच्छा कोई दूसरा गुल खिलाएगी? किसने दिए हैं ये कपड़े? किसी ने नहीं माँ। किसी ने नहीं तो क्या आसमान से टपक पड़े ये कपड़े? किसने दिए हैं बता, नहीं तो। किसी ने अपना समझ कर दिए हैं माँ। अपना समझ कर दिए हैं? खुद तो देख नहीं सकती है, किसे दिखा रही थी ये बनाव शिंगार? अरे मैं साफ समझती हूँ, तू अंदर चल अपना काम कर, सारे हफ्ते मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। हाय रे कितना दर्द हो रहा है। हाय कैट माने बिल्ली, रैट माने चूहा, बैट माने बल्ला, फैन माने बल्ला। Now tell me your names in English. What's your name? My name is Banwari. Yours? My name is Bansi. Yours? My name is Shankar. And your name? My name is Radha.
हेलो आनंद। हाय राकेश, कैसा है? फाइन, तू कैसा है? मैं बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, परसों क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। कुछ नहीं ना, तो यहाँ आजा फार्म हाउस। यार 15 अगस्त है, बच्चों के साथ मनाएंगे। हाँ अच्छी बात है। ओके। आई लव माई मदर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई सिस्टर एंड आई लव। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सफर में हूँ।
जहाँ जहाँ मुमकिन है मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हर इंसान को मरने के बाद नेत्रदान करना चाहिए। नेत्रदान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। जिन आंखों ने कभी उजाले ना देखे हों, वो नेत्रदान करने से भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। हमारे भारत में करीब 1 करोड़ नेत्रहीन हैं, जिनमें से करीब 25 लाख प्राणियों को आंखों की जरूरत है। भाइयों, आप अपने गांव में और लोगों को भी ये प्रेरणा दें, उन्हें बताएं कि देहांत के बाद आंखों का दान किया जा सकता है। शरीर मर जाता है पर आंखों का दान देकर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है, और उस दानी की आंखें किसी भी अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकती हैं। हेलो आनंद, आनंद डॉक्टर कुमार ने आज ही का अपॉइंटमेंट दिया है, तुम सीमा को लेकर फौरन आ जाओ। अच्छा राकेश, मैं आज ही सीमा को डॉक्टर कुमार के आए हॉस्पिटल में ले आता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन वक्त से पहुँच जाना। हाँ भाई वक्त पर पहुँच जाएंगे, बस निकल ही रहे, तू वहीं मिलना। हाँ मैं तुम्हें डॉक्टर कुमार के ही मिलूंगा। ओके सीमा, आज मैं तुम्हें स्कूल पहुंचाने से पहले एक जगह ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? आंखों के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास। मैंने अपने दोस्त राकेश से बहुत पहले कहा था, अभी अभी उसने मुझे टेलीफोन पर बताया है कि उस डॉक्टर ने आज ही का समय दिया है। भगवान करे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं सीमा। यार आनंद, लानत है अपनी दोस्ती पर। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी बात हो जाए और हमें खबर तक नहीं। खबर तक नहीं? भाई किस बात की? यही कि हमारा एक दोस्त प्रेम सागर में डूब रहा है, उभर रहा है, और हमें खबर तक नहीं। राकेश मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझा? नहीं नहीं समझा। हाँ? बहुत भोला है बेचारा। अरे तू चुपचाप सीमा से प्यार करने लगा और हमें कानो कान खबर ना हुई। अरे अब तो सच सच बता दे। हाँ यार बात तो तेरी सच है। तो फिर बताया क्यों नहीं? बस मैं छोड़, माफ किया, मुबारक। थैंक यू। अरे शादी करेगा तो जीने का सलीका भी आ जाएगा। अच्छा? गुड। आओ सीमा। राकेश, she has total corneal opacity. इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब, क्या कोई तरीका नहीं? है, मगर बहुत मुश्किल है। अगर जरा भी उम्मीद हो डॉक्टर साहब, तो पूरी कोशिश कीजिए, चाहे जितना भी रुपया खर्च हो, उसकी चिंता मत कीजिए। सवाल खर्च का नहीं मिस्टर आनंद, सीमा की आंखों को रोशनी तभी मिल सकती है जब कोई औरत या मर्द मृत्यु के बाद अपना नेत्र दान करे। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे देश में बहुत से आई बैंक्स हैं, क्या वहां से आंखें नहीं मिल सकती? मैंने कहा ना, काम बहुत मुश्किल है। हमारे लोगों में जागृति ही नहीं कि वो मरने के बाद अपनी आंखें दान कर जाएं। आपके पास तो तरह तरह के लोग आते होंगे डॉक्टर साहब, कभी कोई ऐसा दानी मिल जाए शायद तो। मेरे पास तो आंखों के मरीज ही आते हैं जो खुद अपने लिए नेत्रदान चाहते हैं। दानी तो हमसे दूर ही रहते हैं मिस्टर आनंद। अच्छा डॉक्टर, थैंक यू। ओके राकेश, आओ सीमा। आइए गिरधर बाबू, आइए। नमस्ते आनंद बाबू। नमस्ते। कल सीमा की सालगिरह है, मैं तो नहीं जा सकता, बड़ी मेहरबानी होगी अगर कल आप उसे ले आए। आप परेशान मत होइए गिरधर बाबू, मैं कल जा ही रहा हूँ शहर, मैं सीमा को ले आऊंगा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। Ha 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 ha!
सीमा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसका शायद सबको पता चल गया है। क्या बाबा ने आपके अलावा किसी और को भी बता दिया? हाँ। किसको? ऊपर नीले गगन को, नीचे नीले सागर को, सूरज को, पहाड़ों को, फूलों को, हवाओं को और सारी प्रकृति को। लो, आज फिर नई साड़ी पहना दी इसे।
कहां से गुलछर उड़ा के आ रही है मास्टर के साथ? ये आप क्या कह रही हैं? आज तो सीमा का जन्मदिन है। अरे जन्मदिन के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती किसी जवान और पराई लड़की के साथ रात सचाते? तू तो इसे बर्बाद कर देगा, शादी तो करेगा नहीं तो इस नेत्रहीन से। अरे अभी बोलो चाची, तो इस मास्टर की अकल ठीक कर दे। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो आनंद बाबू से। आय हाय हाय, बड़ी आईएएस की हिमायत करने, इससे पूछ ये शादी करेगा तुझसे या यूं ही घुमा फिरा कर छोड़ देगा। बोल चुप क्यों है, पूछ ना इससे। अरे मैंने बहुत देखे ऐसे शहरी बाबू, ये क्या शादी करेगा तुझसे। मैं सीमा से शादी करूंगा, जरूर करूंगा। अरे जा जा, ये सब कहने की बातें हैं, तू तो गुलछर उड़ाकर शहर भाग जाएगा और ये नेत्रहीन सारी उम्र तेरे लिए रोएगी। माँ तू तो सीधी तरह अंदर चल, मेरी बात चल, तू अंदर। माँ जी तो मैं ठीक कर सुनो, तेरी टांगे ज्यादा लंबी हो गई ना, आज से स्कूल भी जाना बंद। माँ सुनो तो सही, चले जाओ यहाँ से। माँ सुनो, इससे पूछ ये शादी करेगा तुझसे या यूं ही घुमा फिरा कर छोड़ देगा। बोल चुप क्यों है, पूछ ना इससे। अरे मैंने बहुत देखे हैं ऐसे शहरी बाबू, ये क्या शादी करेगा तुझसे। आइए पंडित जी, बुलाओ सीमा को, मैं अभी उससे शादी करूंगा। अरे इसकी नौटंकी, इसके स्वांग तो देखो, पंडित लेकर चलाया सीमा के साथ शादी का नाटक रचाने। ये नाटक नहीं है, मैं सीमा से अभी शादी करूंगा। एक पंडित पकड़ लाया और सीमा से शादी करने चलाया। सीमा से शादी के लिए बैंड बाजे और बरातियों की जरूरत नहीं है, मैं उससे इसी हाल में शादी करूंगा और अभी करूंगा। आपने अच्छी तरह से सोच लिया है आनंद बाबू। जी हाँ। तो हमें क्या एतराज हो सकता है, फिर भी एक बार सीमा से पूछ लेता हूँ। उससे क्या पूछना है जी, उसके लक्षण तो मैं पहले से ही जानती हूँ, करता है तो करने दो शादी। कह रहा है आनंद? मैं ठीक कह रहा हूं राकेश, मुझे मुझे सपने में दिल का दौरा पड़ा, सीवियर हार्ट अटैक। सपने में? समझ गया, सब समझ गया, ये प्यार का पहला अटैक था। तू मजाक कर रहा है राकेश, मैं बहुत सीरियस हूं दोस्त, इस दिल के दौरे ने भीतर से मुझे बहुत बुरी तरह से हिला दिया है। राकेश तू तो जानता है कि मैं सीमा को कितना प्यार करता हूं, मैं सीमा से शादी भी कर सकता हूं राकेश, पर अपनी सांसों और जिंदगी पर अब मुझे भरोसा नहीं रह गया है। शादी के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो सीमा कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी, इसलिए मैं एक विल बनवाना चाहता हूं। विल? अरे पागल हो गया क्या?
पागल? नहीं राकेश, ये मेरे अंदर की आवाज है। और कभी कभी मनुष्य नहीं, उसकी आत्मा बोलती है। और मेरी आत्मा ये कहती है राकेश कि मुझे एक विल बनवा ही लेनी चाहिए। विल तो खैर बनवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तू फार्म हाउस भी नहीं जाएगा। जब तक तेरे मन का भय निकल नहीं जाता, तू यहीं पर रहेगा। लेकिन आनंद, तू क्या विल बनवाना चाहता है? मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें सीमा को दी जाए। यह तो बहुत अच्छी बात है आनंद, लेकिन लेकिन क्या यह सोचकर अजीब सा नहीं लगता कि ये मौत से पहले, मौत से हार जाने की एक मजबूरी है? मजबूरी नहीं राकेश, ये मौत से जीतने का तरीका है। मेरे मरने के बाद भी मेरी आंखें जिंदा रहेंगी। मेरा ये नेत्रदान सीमा की अंधेरी दुनिया को रोशन कर देगा। हाँ आनंद, जिसे तू नेत्रदान समझता है वो तेरा नेत्रदान नहीं है मेरे दोस्त, वो तेरा प्रेमदान है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वकील साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सर ये आपके विल के कागजात तैयार हो गए हैं, आप यहां पर साइन कर दीजिए सर। साइन हियर प्लीज। मिस्टर राकेश, आप यहां गवाह की जगह पर यहां पर साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। आप दोनों इस विल के राजदार भी रहेंगे वकील साहब। सीमा को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसके लिए मैंने ये विल बनवाई है, ना अभी और ना बाद में कभी। आनंद बाबू। नमस्ते ललिता जी, जरा सीमा को बुला देंगी? कहना कि शनिवार है, मैं उसे लेने आया हूँ। पर आनंद बाबू, सीमा तो पिछली बार आप ही के साथ गई थी, अभी तक तो लौटी ही नहीं। लौटी ही नहीं? कोई बात नहीं। क्या बात है आनंद बाबू जी? कुछ नहीं। आनंद बाबू की गाड़ी थी ना? हाँ। मुझे उनके फार्म पर छोड़ दो। चलो। फोड़ हो जाएगा। तू जा, गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आ। ठीक है चाची। आज मैं मजा चखाऊंगी। आजा बिटिया, आजा। आनंद बाबू, सीमा बिटिया आई है। अरे सीमा, तुम आओ, आओ, संभल कर। आओ, यहां बैठो। आपकी गाड़ी के आने की आवाज सुनी तो मिलने चली आई। आप माँ की बातों का बुरा तो नहीं मान गए? नहीं सीमा, मगर मुझे इस बात का दुख है कि तुम अपने स्कूल वापस नहीं लौटी। माँ के मन में खोट है तो क्या करें, लेकिन मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। मैंने माँ को कभी सौतेली माँ नहीं समझा, पर न जाने क्यों वो मुझे अपनी बेटी नहीं मान सके। सीमा, तुम्हारे दुखों की क्या दवा हो सकती है? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? नहीं नहीं आनंद बाबू,
जीवन में जितना सुख मुझे आपसे मिला है उसे पाकर मैं अपना सब दुख दर्द भूल गई हूँ। इतनी ढेर सारी खुशियाँ, इतने सुख का अनुभव तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। कहाँ है वो मास्टर का बच्चा? ये तो माँ की आवाज है। अच्छा, आओ। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? निकालो इसे बाहर। क्या बात है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, बदतमीजी खुद करता है और हमें बदतमीज कहता है हा? और करमचली तू यहाँ क्या करने आई थी? हमारे गांव में रासला रचाता है वे मास्टर। हमारी लड़की की तो जिंदगी खराब कर दी इसने। माँ ऐसी गंदी बातें मत कहो। माँ मत कहो ऐसी गंदी बातें। अच्छा तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, पर इस बेशरम को देखो, एक लड़की की इज्जत खराब करके कैसे मुंह उठाए खड़ा है। चुप, एक बात भी मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। देवता जैसे आदमी पर कीचड़ उछालते, शर्म नहीं आती? तू बीच में मत पड़ माली। मैं बीच में नहीं पड़ूंगा तो कौन पड़ेगा, तेरा बाप? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ठीक है, तू तो चल घर। ये शर्म तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ूंगी। चल तू। तू अपना समझती क्या है? पानी लाने के लिए बात सुनो। यहाँ आकर गुलछर हुआ। मां मेरी बात तो सुनो ना। मां घर के बाहर कदम। इस मास्टर के बच्चे से मैंने भी गांव ना छुड़वा दिया तो मेरा भी नाम जमूरा नहीं। अरे भाग, नहीं तो तेरी लाश यही गाड़ दूंगा। अरे जा माली, तुझे भी देख लूंगा। चल भाग, नहीं तो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते जी, मैं राकेश फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। आनंद बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप जल्दी चले आइए। जी मास्टर जी तो आ गए हैं, पर वो बीमार है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं। बीमार है? मास्टर जी को क्या हुआ? मालूम नहीं, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, फौरन बम्बई भेजना होगा। राकेश बाबू को फोन कर दो कि एम्बुलेंस लेके तुरंत आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब। बच्चों, मास्टर जी कहाँ हैं? मास्टर जी बीमार हैं, उनको देखने डॉक्टर साहब आए हैं। बीमार है? हेलो, मैं मालिका का बोल रहा हूँ, फार्म हाउस से। बोलो मालिका का। साहब आनंद बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ओह माय गॉड, उनको शहर लेकर जाना पड़ेगा, आप एम्बुलेंस लेकर जल्दी आइए, डॉक्टर साहब ने बोला है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फौरन एम्बुलेंस लेके आता हूँ। आनंद, आनंद, आनंद।
आनंद डॉक्टर साहब। I'm sorry, Rakesh. He's no more. आनंद बाबू नहीं रहे। सर्वनाश हो गया बेटी, सर्वनाश हो गया। क्या हुआ बाबा? वो आनंद बाबू को दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा? और वो क्या बाबा? वो इस दुनिया में नहीं रहे बेटी, नहीं रहे। इंटेंसिव केयर में ले चलिए। मैंने आनंद को एग्जामिन किया, इनका ब्रेन फंक्शन, हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर, पल्स, सब कुछ तो नॉर्मल है। अकॉर्डिंग टू मी ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल पर्सन। लेकिन डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? ना कभी मेडिकल हिस्ट्री में सुना, ना देखा। आखिर रिमूव करने से पहले ही वाज डिक्लेयर्ड डेड।
आनंद क्लिनिकली मर चुका था, वरना उसकी आंखें निकालना मुमकिन कैसे होता। डॉक्टर आप भी सही हैं और मेडिकल साइंस भी, आनंद मर चुका था, पर सच ये है कि आनंद के मुर्दा शरीर में जान लौट आई। इट्स अ मिरेकल। हाँ डॉक्टर, ये तो मिरेकल ही है। ऐसा करिश्मा तो भगवान ही कर सकता है, और वो ही हम सबसे बड़ा डॉक्टर है। चाचा, ओ चाचा, ये बंबई से आए हैं। नमस्ते जी, आपका नाम गिरधर लाल है? हाँ जी। आप ही की बेटी का नाम सीमा है? हाँ जी। देखिए, मैं डॉक्टर कुमार के अस्पताल से आया हूँ, आपकी बेटी के लिए किसी ने नेत्रदान किया है। अच्छा, और उसे कल ही अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा, आप उसे लेकर कल जरूर आइएगा। जी अच्छा। नमस्ते जी। नमस्ते। सीमा बेटी। जी बाबा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कल तुम्हारी पट्टी खुलेगी, तुम सब कुछ देख सकोगी। जी बाबा। खाओ बेटी। ये बात सबकी समझ के बाहर है कि ये दुर्घटना और ये करिश्मा दोनों एक साथ कैसे हो गए। आनंद, सारे डॉक्टर्स परेशान भी थे और हैरान भी। इसमें डॉक्टर्स क्या करते राकेश, उन्होंने तो अपने ज्ञान और विज्ञान के मुताबिक जो किया वो ठीक ही किया। वो तो ठीक है, लेकिन राकेश, ईश्वर के सामने लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता मेरे भाई। मुझे तो खुद मेरे दिल के दौरे के बाद ये एहसास हुआ था कि जैसे मेरे प्राण, मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी थी, और फिर मैं अनंत में भटकता रहा, जैसे एक महाशून्य में। और फिर पता नहीं फिर कब आकर मेरी आत्मा मेरे इस मुर्दा शरीर में बस गई और मैं फिर से जीवित हो गया। मैं तो खुद कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, बहुत आश्चर्यजनक घटना है राकेश। पर खुशी की बात तो यह है आनंद कि तुम जीवित हो, और दुख की बात यह कि तुम्हारी आंखें। मेरी आंखें राकेश? मेरी आंखें तो हमेशा जिंदा थीं, जब मैं जीवित नहीं था तब भी और अब भी। राकेश, कल ही तो तू बता रहा था कि आज सीमा की पट्टी खुलने वाली है। हाँ, डॉक्टर कुमार ने तो यही कहा था। तो देख कर आना राकेश, और आकर मुझे एक अच्छी खबर दे कि सीमा अब देख सकती है। जा मेरे भाई, जा। अच्छा आनंद, जा। सीमा, मुझे पूरा विश्वास है कि आज तुम अंधेरों की दुनिया से निकलकर उजालों की दुनिया में आ जाओगी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? जिन्हें देखने की इच्छा थी वो इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर साहब। अब तो सबसे पहले मैं आप ही को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब,
ठीक है सीमा, नर्स पट्टी खोलो। सीमा आप देख सकती है हा? और उसने सबसे पहले तुझे ही देखने की इच्छा जाहिर की थी। सच? हाँ। ओ राकेश, तूने कितनी अच्छी खबर दी है। अब मुझे संतोष है, अब सीमा अपनी जिंदगी जी पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। हाँ मेरे दोस्त, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मगर मुझे अब तेरी जिंदगी और सेहत की फिक्र है। डॉक्टर्स ने राय दी है कि मैं तुझे आराम के लिए कहीं पहाड़ पर ले जाऊं। ले चल यार, ले चल, कहीं भी ले चल, लेकिन बहुत दूर, जहां ये दूसरी जिंदगी मैं आराम से जी सकूं। आ बैठ, बैठ। राकेश, अच्छा हुआ हॉस्पिटल से तो पीछा छूटा। देख अब तू आराम कर, मैंने सारी बुकिंग्स करवा ली हैं और परसों ही हम हिल स्टेशन पर चले जाएंगे। थैंक्स राकेश। भाई रामू, चाय पिलवा भाई। जीवन में कैसे कैसे मोड़ आते हैं आनंद, लाइफ इज सो इंटरेस्टिंग। लेकिन राकेश, मुझे हर वक्त तेरा ख्याल आता रहता है दोस्त। तू इस तरह अपना सारा कामकाज छोड़कर मेरे साथ घूम रहा है। नहीं राकेश, अब जब तक जीवन गुजारना है मुझे अकेलेपन में बसर करना है। देख आनंद, यारों के रहते ऐसी बात नहीं करना। अरे हमारे रहते दुनिया की सारी खुशियां तेरे साथ हैं। बस यार एक ही काम नहीं कर सकता। क्या राकेश? अपनी आंखें निकाल कर तेरे नहीं लगा सकता। राकेश चल यार, शाम हो गई है, होटल चलते हैं। ये बंबई शहर से कितना खूबसूरत लग रहा है सीमा, काश तुम देख सकती। मैं देख सकती हूँ अनंत बाबा, मुझे आपकी आंखों से सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा तो बताओ क्या देख रही हो? कि आप जैसा कोई मेरे पास है, रोशनी। मैं कोई नाखून से तो नहीं, पर मैं आपकी आंखों से हमेशा देखती रहती हूँ। कितना खूबसूरत हिल स्टेशन है ये, लेकिन उस गांव से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता राकेश। काश मैं वहां जा सकता। सीमा से मिलने? नहीं रे, सीमा और गांव वालों के लिए तो मैं मर चुका हूं।
उनसे मिलने नहीं। तो फिर क्यों जाना चाहता है वहां? कभी कभी मुझे वो छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम अधखिले चेहरे और वो अपना छोटा सा स्कूल बहुत याद आता है राकेश। राकेश, लेकिन लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा राकेश, नहीं जाऊंगा। वो गांव और उस गांव की सारी यादें मेरे लिए एक सपना थी और अब वो सपना खत्म हो गया है। हाँ तो पंचो, तय ये हुआ कि आनंद बाबू की याद में एक स्कूल बनवाया जाए। जी, लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? उसके लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। मुखिया साहब जी, एक बात अर्ज करूं, ये अपना रामू है ना, इसके मालिक श्याम बाबू हर इतवार को बंबई से गांव में आते हैं। अगर कहीं वो राजी हो जाएं तो सारा पैसा वो खुद ही दे सकते हैं। आप ठीक कहते हैं जुम्मन भाई, भगवान ने उनको बहुत पैसा दिया। जी जी, तो फिर ठीक है। रामू, जब तुम्हारे मालिक आए तो हम लोगों को खबर करना। जी, हम लोग जाकर मिल लेंगे। हाँ जी, जुम्मन बिल्कुल। आंखों से ये भी देख रही हो सीमा कि सागर की ये शांत लहरें तुम्हें अपनी ओर बुला रही हैं? हाँ, देख रही हूँ, पर मैं उन्हें छूना चाहती हूँ आनंद बाबू। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। पुलकित हो गए प्राण, पुलकित हो गए, सीमा, सीमा कहाँ हो तुम? सीमा, सीमा आनंद, आनंद, सीमा की याद आ रही है? राकेश, मुझे लगा जैसे सीमा यही कहीं मेरे पास है राकेश, और वो वही गाना गा रही है पंछियों के शोर से। सीमा यहाँ इस हिल स्टेशन पर? ये तेरा वहम है आनंद। एक बात पूछूं आनंद? क्या? तुझे कभी एक क्षण, एक पल के लिए पछतावा नहीं होता कि तूने अपनी आंखें? पछतावा कैसा राकेश? पछतावा तो उन्हें होता है जो अपने स्वार्थ के लिए प्रतिदान की इच्छा रखते हैं। आनंद, तेरे दोबारा जीवित होने पर मैंने डॉक्टरों से पूछा था कि क्या तेरी ही आंखें फिर से तेरे नहीं लगाई जा सकती। तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अब यह संभव नहीं, भाग्य ने जो खिलवाड़ किया है वो तो मंजूर करना ही पड़ेगा। राकेश, अगर मेरा वश चलता तो मैं खुद ही अपनी आंखें निकालकर एक दिन सीमा के लगा देता, पर शायद वो मेरे वश में नहीं था, इसलिए ईश्वर ने मेरी सच्ची इच्छा और प्रार्थना स्वीकार कर ली और ये सब संभव कर दिखाया। सच्ची प्रार्थनाएं तो जीवन की दिशाएं तक बदल देती हैं राकेश। अरे, ये गुड़िया सी बेटी किसकी है चाचा? ये रामू के मालिक श्याम साहब की बेटी है।
बेचारी बिरमा की बच्ची है। अच्छा बेटा, जुम्मन भाई भाई नमस्ते नमस्ते। गिरधर भाई, वो बंबई से श्याम साहब आ गए हैं, मुखिया जी को लेके उनके पास चलते हैं और स्कूल की बातचीत कर लेते हैं। चलिए जुम्मन भाई। गुड़िया बेटी, आजा आजा बेटी, आजा घर चलते हैं बेटा, जल्दी से आजा। नहीं आंटी, आप भी चलो हमारे साथ। आप जाओ बेटे। नहीं आप भी चलो ना। सीमा बेटी आ जाओ ना, गुड़िया का दिल बहल जाएगा, आ जाओ हमारे साथ तुम भी। अच्छा चलिए बेटे। चलो अरे आइए आइए मुखिया जी आइए। आदाब श्याम बाबू। नमस्ते नमस्ते। श्याम बाबू, हम सब आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। हाँ, वो रामू ने मुझे कुछ बताया था स्कूल के बारे में, वही ना? जी, उसी स्कूल के बारे में। मास्टर साहब की याद में हम सब एक स्कूल बनवाना चाहते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे मुखिया जी, आखिर इस गांव ने ही तो मुझे सब कुछ दिया है। यहाँ स्कूल बने, इससे अच्छी बात क्या हो। आजा गुड़िया बेटे, आजा आजा आजा, पकड़ो ये पकड़ा। हम घूमेंगे। ये मुखिया जी, मैं बंबई जाते ही 1 लाख का चेक भिजवा दूंगा, आप काम शुरू करवाएं। इसके अलावा जब जब भी रुपए की जरूरत पड़े बता दीजिएगा। ये स्कूल मेरी तरफ से गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा उपहार समझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्याम बाबू, आप बहुत नेक इंसान हैं। आदाब। नमस्ते नमस्ते दोनों। नमस्ते। चलो सीमा बेटी। जी ये लो, हम एक पपी दो। आजा गुड़िया बेटे, आजा मेरे बच्चे। रामू जी साहब, ये गुड़िया किसके साथ खेल रही थी? अपने गिरधर बाबू है ना, उनकी बेटी सीमा के साथ। गिरधर बाबू की? चलो बेटे। और रेलगाड़ी की पकड़ो साड़ी, आ जाओ। तेज भागो तेज भागो, वरना रेलगाड़ी छूट जाएगी। और तेज पकड़ो, दिखो, पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो। आइए आइए सर, आइए आइए आइए। नमस्ते गिरधर बाबू। नमस्ते। आजा 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 आजा। मैं एक जरूरी काम से आया हूँ गिरधर बाबू। हुकुम करें साहब। आप तो जानते हैं गिरधर बाबू, गुड़िया की माँ नहीं रही। गुड़िया की खातिर मैंने कई बार शादी का विचार किया, लेकिन सबकी नजर मेरी दौलत पर ही थी, कोई भी गुड़िया की माँ बनने लायक नहीं थी। कल जब आप स्कूल के सिलसिले में मेरे घर आए थे तो मैंने आपकी बेटी सीमा को गुड़िया के साथ खेलते देखा था। मैंने गुड़िया को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। सीमा के मन में गुड़िया के लिए ढेर सारा प्यार देखकर और सोच समझकर मैं आपसे सीमा का हाथ मांगने आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए गिरधर बाबू, मेरी प्रार्थना को ठुकराइएगा नहीं। नहीं नहीं साहब, इससे ज्यादा हमारी सीमा के लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। थैंक यू गिरधर बाबू।
अल्लाह की रहमत से और आपकी कोशिशों से आज मास्टर साहब का सपना सच हो गया। श्याम बाबू जी, एक दिन मास्टर जी ने मुझसे कहा था, मुखिया जी ये मत सोचो कि देश हमारे लिए क्या करता है, ये सोचो कि हम देश के लिए क्या करते हैं। और आज आपकी कृपा से उनकी कही हुई बात सच दिख रही है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। नमस्ते। साहब गांव से मास्टर जी आए हैं। अच्छा उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। राकेश भूलने से भी कोई गलती मत कर जाना। राकेश याद रखना, मैं सबके लिए मर चुका हूँ, सबके लिए। डोंट वरी आनंद। आइए आइए मास्टर जी। नमस्ते राकेश बाबू। नमस्ते। कैसे आना हुआ मास्टर जी? आप तो जानते हैं राकेश बाबू कि हम मास्टर जी की याद में एक स्कूल बनवा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि स्कूल में मास्टर जी की मूर्ति स्थापित की जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी के लिए हमें उनके फोटो की जरूरत है। आपके पास तो होगा फोटो? भाई अब देखना पड़ेगा। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ आइए। सुना वो लोग गांव के स्कूल में तेरी मूर्ति लगाना चाहते हैं। मैंने सब सुन लिया है राकेश। कितना बड़ा मजाक होगा कि स्कूल में मेरी मूर्ति लगाई जाए। नहीं राकेश नहीं, तुम उन्हें मना कर दो, कह दो कि तुम्हारे पास मेरी कोई फोटोग्राफ नहीं है। प्लीज प्लीज राकेश प्लीज। ठीक है मैं कह देता हूँ। सॉरी मास्टर जी, आनंद बाबू का कोई फोटो नहीं है मेरे पास। हाँ अगर और किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। जी वैसे तो सारे पैसों का इंतजाम हो गया था और स्कूल भी बनकर करीब करीब तैयार ही है। शायद और कुछ जरूरत लग जाए तो मास्टर जी। तो आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी हो सका मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम लोग चलेंगे। थैंक्स सुनील, भाभी को साथ लेके ठीक वक्त पर आ जाना। हाँ यार राकेश का फोन नहीं मिल रहा, मैं खुद ही उसके घर जा रहा हूँ। ओके देन सी यू बाय। पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। पुलकित हो गए पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई। श्याम ये कितना अच्छा गाते हैं राकेश, लेकिन तू इतने दिनों था कहाँ? कितनी बार मैं तुझे खोजने आया। हम जरा हिल स्टेशन पर चले गए थे। आनंद यही है मेरा दोस्त श्याम। नमस्ते श्याम बाबू, राकेश आपकी बहुत तारीफ करता रहता है, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। अजी ऐसी चलती फिरती मुलाकात में क्या रखा है, जम के मुलाकात होगी आज पार्टी में। पार्टी में किस खुशी में भाई? जन्मदिन की। जन्मदिन? किसका जन्मदिन? तेरी भाभी का। भाभी? क्या मतलब? हाँ यार मैंने शादी कर ली है। शादी? शादी कर ली? तूने दूसरी बार भी शादी कर ली और हम अभी तक कुंवारे बैठे। तो आज पार्टी में अपनी किस्मत आजमा लेना, शायद कोई पसंद आ जाए। लेकिन यार राकेश तू अपनी भाभी को देखेगा ना तो मेरे भाग्य से ईर्ष्या करेगा। शी इज रियली अ वंडरफुल पर्सन यार। यू आर अ लकी मैन श्याम। ठीक है तो हम दोनों दोस्त आते हैं आज शाम को पार्टी में, भाभी से मिलेंगे भी
और उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद भी देंगे। क्यों आनंद? हाँ राकेश जरूर। जी जी हाँ। हेलो धन्यवाद। नहीं ऐसे क्या? हाय राकेश वेलकम वेलकम। यार कितनी देर कर दी। सॉरी यार। सीमा जी सीमा ये है वो राकेश जिनकी मैं जिनकी अब तारीफ करते करते नहीं थकते। बिल्कुल राकेश ये है तेरी भाभी। नमस्ते नमस्ते। और सीमा ये है आनंद बाबू।